नमस्कार, मैं तबस्सुम परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। नगरा पुलिस ने नगरा भीमपुरा मार्ग जाम करने में 11 नामजद और 40 से 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बलिया नगरा थाना अंतर्गत नाबालिग किशोरी का अपहरण कर बर्बरता करने वाले और हाथ की नस काट अधमरा फेंक दिए जाने के मामले में सड़क पर उतरकर नाराजगी जताने वालों पर नगरा पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है। ज्ञात हो कि पिछले 16 अक्टूबर को ताड़ीबड़ा गांव में सड़क जाम कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करने वालों के खिलाफ नवागत थाना अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह ने 11 नामजद और 40 से 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज किया है। नगरा पुलिस के अनुसार 16 अक्टूबर को ताड़ीबड़ा गांव में सड़क पर पंडाल का पाइप, बांस बल्ली, लोहे की रॉड और बल्ली आदि रखकर सड़क जाम करने और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लगाने के मामले में उक्त कार्रवाई हुई, जहां भीड़ द्वारा राहगीरों से अभद्रता भी की गई। घटना में पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने की जानकारी देने के बाद भी पुलिस प्रशासन से अभद्रता करने और नारेबाजी करने के भी पुलिस ने आरोप लगाए हैं। इसके तहत नगरा पुलिस ने सोनू सिंह निवासी वीर चंद्रहा, राजीव सिंह चंदेल उर्फ राजू एवं सोनू सिंह निवासी नगरा कस्बा, युवराज सिंह और फाइटर निवासी ताड़ीबड़ा गांव, समरजीत सिंह, अतुल सिंह, कृपा शंकर, लकी सिंह, अमित सिंह, सुशील सिंह समेत 11 नामजद और 40 से 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 149, 341, 188, 323, 504, 506 एवं CLA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत मीडिया के लिए बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।